इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए भारत के काल के ऐसे वीर योद्धा जिनकी वीर गाथा सुनकर आपको भारतीय होने का गर्व होगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे महान योद्धाओं की कहानी जिनके आगे बड़ी बड़ी सेना नहीं टिक पाती थी, जिन्होंने अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा दी जिनसे वे इंद्र के सिंहासन को हिलाने की क्षमता रखते थे। आज हम आपको महाभारत के काल के दो सबसे महान योद्धाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे, जिनका नाम एक गुरु के रूप में आज भी बहुत प्रसिद्ध है। इनके नाम से भारत सरकार की तरफ से भारत के सबसे अच्छे कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में इनका अंगूठा मांग लिया था, ताकि कोई भी अर्जुन से अच्छा धनुर्धारी नहीं बन सके। अपने पुत्र अश्वत्थामा के कौरवों के साथ मित्रता की वजह से गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध में कौरवों की ओर लड़ना पड़ा। गुरु द्रोण के सामने अर्जुन के अलावा कोई और योद्धा नहीं टिक सकता था। विराट नरेश की हत्या करने के बाद द्रोणाचार्य पांडवों के लिए काल के समान बन गए थे। ऐसे समय में पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए षड्यंत्र का सहारा लिया और द्रोणाचार्य को छल से मार दिया गया। गुरु द्रोणाचार्य एक ऐसे महान योद्धा थे जिसका सामना करने वाले तीनों लोकों में कोई नहीं था। भीष्म पितामह कौरव और पांडवों के ताजश्री थे, जिनका आदर कौरव और पांडव दोनों करते थे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, जिसकी वजह से उन्हें कोई नहीं मार सकता था। भीष्म पितामह एक महान योद्धा जिसके सामने अर्जुन की शस्त्र उठाने से घबराता था। कृष्ण की मदद से अर्जुन ने भीष्म पितामह को सर की शैया पर लेटा दिया। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो पितामह भीष्म को मोक्ष की प्राप्ति हुई।